अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में भलीकार माया गज़ाला अब सब खां पे रहा है। एक नज़र हेडलाइंस थी। नेब जाली बैंक खातन वाले स्कैंडल में अगुणे सदर आसिफ अली जरदारी खिलाफ एक बो रेफरेंस दाखिल करे वरतो। आसिफ अली जरदारी खिलाफ 8 अरब रुपयन के मनी लॉन्ड्रिंग जो रेफरेंस दाखिल कर वो। रेफरेंस में ऐवान सदर जो अगुणो स्टेनोग्राफर मुश्ताक अहमद भी शरीक जवाबदार तौर नामजद। सिंध हाईकोर्ट वरी वजीर सैयद मुराद अली शाह सिंध काबीना के मेंबर ए चीफ सेक्रेटरी जो पघारू बंद करने जो हुक्म दई छो। सिंध हाईकोर्ट सखर बेंच मार्केट कमेटी के रिटायर्ड मुलाजमन की पेंशन बाबत केस की बुधनी दौरान हुक्म दिनो। अदालत रिमार्क्स नाहन त जेकडे रिटायर्ड मुलाजमन के 11 मई तई पेंशन न मिली त केस सिंध के गवर्नर डां उमाणे वेंदो। सिंध काबीना कोरोना SOPs से अमल दरामद लाए पाक फौज का मदद वठण की मंजूरी दई छी। SOPs से अमल के यकीनी बनाने लाए घुर्बल कदम खण जो फैसलो। काबीना पुलिस एक्ट 1861 रिवाइवल ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002 तरमीमी एक्ट की भी मंजूरी दई छी। काबीना पारा थरकोल ब्लॉक 1 में पावर कंपनी की जमीन पावर जनरेशन के इस्तेमाल की पिण मंजूरी दिनी वही। पाकिस्तान स्टील मिल्स पारा ऑक्सीजन प्लांट बहाल करने जो फैसलो। वफाकी हुकुम की हिदायतों से टेक्निकल टीम स्टील मिल्स पहुंची जायजो वरतो। स्टील मिल्स के सीईओ की सदारत हेठ इजलास ब्रिगेडियर रिटायर्ड शुजा हुसैन जो चवण है तो हुकुम की कोशिश से प्लांट के जल्द बहाल करने में कामयाब थी वेंदासी। प्लांट में जो मशीनरी की जरूरत होंगी वह लगाई वी। पाक फौज के इंजीनियर भी मदद कंदा। कराची में जमान टाउन पुलिस की चक्रा गोठ नूरानी कब्रिस्तान से छापो। दहशतगर्दी की वही कोशिश नाकाम। पुलिस मूजिब कब्र में लिकायल वे तैदाद में हथियार धमाकेदार मादो हथ कह वो। शहदादपुर भरसा गोठ अब्दुल रशीद आराई में जुनूनी शख्स पारा जालिमिन मासूम धीरों से कुहाड़न जा वार कर बाद पान भी आपघात कर कोशिश। हमले में जख्मी थियल जवाबदार की जाल श्रीमती हेरी जख्मन जा सूर नसंदे फौती वही। बिन नींगरियन के गणती जोगी हालत में हैदराबाद नहीं हो।